Friends, first of all, I would like to welcome all of you, and I would like to thanks all the delegates, all the participants, and a special thanks to the organizers and our young speaker of the Kerala Legislative Assembly. Before I start, I want to take a permission from you. I can't express myself in English because you know my mother tongue is Hindi, but my mother tongue is Hindi. There are many students coming from other parts of the country, especially from Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Orissa. उनका मदर टंग हिंदी नहीं है, सो आई डोंट वॉन्ट टू इंपोज माई मदर टंग ऑन योर मदर टंग. दैट्स वाई आई एम आस्किंग फॉर द परमिशन. एंड सेकेंड थिंग, आई एम नॉट इंस्पायर्ड विथ माई प्राइम मिनिस्टर. वेयर एवर आई गो आई स्पीक हिंदी because I can't express myself in English. Another thing I want to confess here, I don't love English. I love Malayalam more than English. I love Kannada more than English. I love Uriya more than English. I love Gujarati more than English. Angreji to hum log kaam chalane ke liye seekh lete hain. Dosto, jaisa ki aap sab logon ko maloom hai, अभी पिछले दिनों हमारे देश के जवानों के ऊपर एक हमला हुआ, बड़ी संख्या में लोगों की शहादत हुई. इस मंच से, इस स्टूडेंट पार्लियामेंट के माध्यम से मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं, उनको ट्रिब्यूट देता हूं, और उनकी फैमिली को यह आश्वासन देता हूं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में. दोस्तों, अभी हमको विषय दिया गया है यूथ एंड पॉलिटिक्स वे फॉरवर्ड. सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो दो वर्ड हैं, यूथ और पॉलिटिक्स, इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ यूज किया गया है. यूथ को पॉलिटिक्स के खिलाफ और पॉलिटिक्स को यूथ के खिलाफ. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड how it is connected to each other. First of all, Comrade Chinta was giving you the data. We are the youngest nation of this world. Duniya ka har panchwa youth jo hai wo Indian hai. Historically, hum duniya ke sabse yuva desh aur us stage mein hain. Lekin jab hum youth ko define karne ke liye jaate hain, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि जो 75 इयर्स ओल्ड हैं या 70 क्रॉस कर चुके हैं लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर, वो भी यूथ हैं. और जो इस देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं राहुल गांधी, वो भी यूथ हैं. एंड आई डोंट डिनाई इट, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं. मैं इसलिए डिनाई नहीं करता हूं कि अंग्रेजी का एक पॉपुलर फ्रेज है, एज इज नंबर, यंग इज फीलिंग. तो यूथ कौन है, इसको सिर्फ एज के साथ नहीं डिफाइन किया जा सकता है. सवाल यह है कि जब एज के साथ नहीं डिफाइन किया जा सकता है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो यूथ को डिफाइन कर सकता है. मैं समझता हूं यहां पे हमको ट्रिपल सी के फॉर्मूले को समझना चाहिए. फर्स्ट सी इज कम्युनिकेशन, सेकेंड सी इज कोलैबोरेशन, एंड थर्ड सी इज चैलेंजिंग द एस्टेब्लिशमेंट. ये तीन काम जो लोग करते हैं, उनको आप यूथ कह सकते हैं. अब सवाल यह है
कि आज जो हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके सामने चैलेंजेस क्यों हैं, यूथ के चैलेंजेस क्या हैं, यूथ को पॉलिटिक्स में क्यों होना चाहिए और पॉलिटिक्स में आकर के वो क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट पावर। जब आप पॉलिटिकल साइंस में स्टेट के ओरिजिन को लेकर के जो डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसको पढ़ेंगे तो मेजरली इसकी दो कैटेगरी है। एक जिसमें हमको बताया जाता है कि स्टेट एक डिवाइन है। अब डिवाइन कैसे है, आप किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को ले लीजिए, उस रिलीजियस टेक्स्ट के अनुसार अल्लाह ने, ईश्वर ने या गॉड ने किसी दो इंसान को पहले धरती पे भेजा। लाइक अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म मनु और सत्रुपा को भेजा, उसके बाद इस दुनिया का विकास हुआ। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से एडम और ईव, और इस्लाम के हिसाब से आदम और हव्वा, इस तरीके से दुनिया का डेवलपमेंट हुआ। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहां पे इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में आता है। डिवाइन थ्योरी कहता है कि भगवान ने, गॉड ने या अल्लाह ने कुछ लोगों को धरती पर भेजा है यहां की व्यवस्था को चलाने के लिए। मतलब राजा जो है, राजा को भेजा गया है, इसकी लेजिटिमेसी प्रीस्ट से मिलती थी। उसके बाद मैकियावेली नाम का एक आदमी आया जो कि बोला रिलीजन और पॉलिटिक्स को एक दूसरे से अलग कर देना चाहिए। अब क्राइसिस ये क्रिएट हुआ कि स्टेट के ओरिजिन को कैसे समझाया जाए। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग स्टेट का यह है कि इंडिविजुअल्स ने अपने जरूरत के चलते एक कलेक्टिव सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। अब कलेक्टिव सोसाइटी क्या होती है, कलेक्टिव सोसाइटी ये होती है कि आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल है, सब लोगों के पास है, और आप में से किसने मोबाइल को बनाया है, किसी ने नहीं, तो फिर ये मोबाइल आया कहां से, इसको किसी ना किसी ने तो बनाया है ना। ये जो हमारी जरूरत है, जो बेसिक नेसेसिटी है, इसको कोई ना कोई पैदा करता है, इसको प्रोड्यूस करता है, और इसको जब वो प्रोड्यूस करेगा तो हर चीज हर कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जो सरप्लस पैदा होगा, मान लीजिए कि आपने मोबाइल खरीदा तो हो सकता है कि आपके पिताजी किसान हो तो उन्होंने धान बेच करके आपको पैसा दिया और आप उससे जाकर के मोबाइल खरीदे। इस तरीके से जो लेबर का डिवीजन हुआ सोसाइटी में, उस लेबर के डिवीजन के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक सबके द्वारा एक्सेप्टेड ऑथोरिटी की जरूरत थी, और वो ऑथोरिटी पहले रिलीजन था। लेकिन रिलीजन को जो मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए उसके चलते लोगों ने चैलेंज किया, और ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट था उसके हिसाब से स्टेट को लेकर के ये लोगों को समझाया गया कि स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और स्टेट जो होता है वो इंडिविजुअल को राइट्स नहीं देता है, बल्कि इंडिविजुअल्स अपने राइट्स स्टेट के सामने सरेंडर करते हैं। और वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिस डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे हुआ है, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई बात है, जो वैल्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, उसी के बेसिस पे स्टेट को ऑपरेट करना होता है। और यह जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही पॉलिटिक्स कहते हैं। अब सवाल यह है कि जब कोई फेसबुक पे यह लिखता है माय पॉलिटिकल थॉट इज ए पॉलिटिकल, आप इसको कैसे देखते हैं। अभी बॉलीवुड के एक पॉपुलर एक्टर ने कहा, ओ यू नो आई एम वेरी बिजी,
And I am an apolitical kind of person. How can be a person sustain as an apolitical person in the society? इस साजिश को आपको समझना पड़ेगा, इस कॉन्स्पिरेसी को आपको समझना पड़ेगा कि जब हम मॉडर्न स्टेट में रह रहे हैं तो कोई इंडिविजुअल, चाहे वो पॉलिटिक्स से इंटरेस्टेड हो या ना हो, उसके जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीजें पॉलिटिक्स के थ्रू ही डिसाइड होगी. राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट होगा कि नहीं होगा, यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट वेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वुमेन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक्सेस करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, वुमेन सबरीमाला जा सकती है कि नहीं जा सकती है, किसको पोलियो का ड्रॉप मिलेगा, कितना मिनिमम वेज होगा, सड़क कितनी चौड़ी होगी, विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा कि नहीं होगा, अपर हाउस होगा कि लोअर हाउस होगा, इंटायर पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो पॉलिटिक्स के थ्रू ही डिसाइड होता है. जब इंटायर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क सोसाइटी और स्टेट का पॉलिटिक्स के थ्रू डिसाइड होता है, आई थिंक हियर द रोल ऑफ यूथ कम्स. जब आपका सब कुछ पॉलिटिक्स से डिसाइड हो रहा है, इफ यू आर यूथ, यू आर क्लेमिंग दैट यू आर यूथ, देन यू हैव टू डिसाइड योर ओन पॉलिटिक्स. दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड अदर थिंग कि ऐसी कौन सी बात है कि हमको पॉलिटिक्स में जाने से डिस्करेज किया जाता है. अब एक बात बताइए, हिंदुस्तान में सबसे अच्छा कैरियर तो प्रधानमंत्री बनने का है ना. पूछिए क्यों, कि अगर आप यूपीएससी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, आप पर्सनल सेक्रेटरी बनेंगे प्रधानमंत्री के. अगर आप इंजीनियर बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आप प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल चलाएंगे. अगर आप बिजनेसमैन बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आप प्रधानमंत्री के पीठ पे हाथ रखेंगे. तो जब पॉलिटिक्स में इतना अच्छा कैरियर है तो पॉलिटिक्स में लोगों को डिस्करेज क्यों किया जाता है. अब इस पॉइंट को समझिए. आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट को देखते होंगे, वैसे भी देखिएगा क्योंकि आजकल हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स क्रिकेट से ही डिसाइड होती है. लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया होगा तो ये नहीं सोचा होगा कि आप सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे. लेकिन फिर भी आप क्रिकेट को लेकर के तो नहीं कहते हैं कि मैं ए क्रिकेट हूं, जैसे आप ए पॉलिटिकल कहते हैं. आप क्रिकेट देखते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं और आपको यह भी मालूम है कि क्रिकेट सबके लिए कैरियर नहीं हो सकता है, फिर भी आप उसके को लेकर के निगेटिव नहीं है. लेकिन पॉलिटिक्स को लेकर के क्यों है. अब एक बात आप यहां समझ जाइए कि स्टेट के ओरिजिन को लेकर के जो डिवाइन थ्योरी है, यदि आप उसमें बिलीव नहीं करते हैं तब आपको समझना पड़ेगा कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस को किस तरीके से डिस्टर्ब किया गया है. जैसे आप बस से जा रहे हो और कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा हो, अगर आप उसका विरोध खड़ा होकर के करेंगे तो छेड़ने वाला कहेगा, नेता बनते हो, बहुत नेता बन रहे हो. अगर आपकी मां आपके साथ है तो आपकी मां आपको कहेगी, तुमको क्या मतलब है, तुम्हारी बहन थोड़ी है. अब हिपोक्रेसी समझिए सोसाइटी की. सुबह जब आप स्कूल गए होंगे तो जो असेंबली हुआ होगा, जो प्रार्थना हुई होगी, उसमें आपको एक ओथ दिलवाया गया होगा, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय आपस में भाई बहन हैं, और आपस में जो भाई बहन हैं उनकी रक्षा के लिए आप खड़े हो जाइए, तो आपकी माँ ही कहेगी कि नेता बन रहे हो. अब ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है. इसको समझिए कि जिस पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं उसको डेमोक्रेसी कहते हैं. अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात समझना है
आप सारे लोग स्टूडेंट हैं, कुछ दिन के बाद आप जॉब लेने के लिए अपना सीवी बनाइएगा, तो सीवी किसी का देखिएगा ना, तो ऐसा लगेगा कि आप पॉजिटिविटी से नहा लिए हैं। वो इंसान चाहे जैसा भी हो, लेकिन उस सीवी में इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतनी मिठास होती है कि आपको पढ़ करके डायबिटीज भी हो सकता है। उसमें एक और कॉलम होता है, एक कॉलम होता है व्हाट इज नेगेटिव अबाउट यू। ये जो व्हाट इज नेगेटिव अबाउट यू होता है, उसमें भी जो लोग लिखता है वो भी पॉजिटिव बात ही लिखता है। इंडियन सोसाइटी की हिपोक्रेसी यहीं पे समझ में आती है, और मैं भारत को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी सोसाइटी के ऊपर सवाल इसलिए खड़ा करता हूं क्योंकि डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है। हम ये क्लेम करते हैं, जो कि फैक्ट भी है, कि हम दुनिया के सबसे यंग नेशन हैं और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है, ऑल्दो वो इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत खतरनाक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यह होता है कि मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनती है, माइनॉरिटी की गवर्नमेंट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम का जो जनरल इलेक्शन है, आप उसको देख लीजिए, द एनडीए गॉट 31% वोट एंड देयर वॉज 69% वोट अगेंस्ट द एनडीए, बट हु इज आवर प्राइम मिनिस्टर? नहीं, नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्डेमॉर्ट नहीं है, यू कैन टेक हिज नेम। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अलावे कोई भी डेमोक्रेसी को सोसाइटी के डिफरेंट स्फीयर में समझने के लिए तैयार नहीं है। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट कास्टिंग योर वोट। और आप देखेंगे, कभी इलेक्शन आया है, रेडियो मिर्ची पे, रेड एफएम पे, एफएम गोल्ड पे, टेलीविजन पे, अखबार में, सब जगह करोड़ों रुपए का बजट बनाया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, आपको इनकरेज किया जाएगा कि आप वोट दीजिए, आप 5 साल में एक बार वोट दे दीजिए, लेकिन बाकी साल आप पॉलिटिकल मत रहिए, ये आपको समझाया जाएगा। अगर हम किसी को वोट देंगे तो उसको वोट देने का बेसिस क्या होगा? क्या हमको उस पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाता है? वो पार्टी यदि सरकार में रही है तो उसने क्या काम किया है उसके बारे में बताया जाता है? क्या इस देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इलेक्शन का, किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो, उस पर कोई डिस्कशन होता है? और यदि हम सबसे दुनिया के यंगेस्ट नेशन हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा आपने कभी यूथ चार्टर या यूथ मैनिफेस्टो प्रोड्यूस करते हुए देखा है? क्यों नहीं देखा है? अब ये इंटरेस्टिंग बात है, आपको मालूम है कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा प्लेयर हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गए ना, उनकी जगह पे कौन आए हैं? विराट कोहली। विराट कोहली के चचा तो नहीं है सचिन तेंदुलकर, मौसा भी नहीं है, फूफा भी नहीं है। तो क्रिकेट में एक नया आदमी, थोड़ा बहुत लेन देन वहां भी चलता है, हम इस बात को हम नहीं डिनाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप अच्छे क्रिकेटर हैं तो आपको क्रिकेट में एंट्री हो सकती है। सिनेमा में भी, अब देखिए, अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन की तरह हो पाए क्या? नहीं हो पाए ना, उनसे ज्यादा अच्छा एक्टर कौन हो गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है, उसके पिताजी सिनेमा में नहीं थे, उसके पिताजी वो बिग भी नहीं थे। अब पॉइंट ये है कि पॉलिटिक्स में आप में से कोई भी यह बात सोच पाता है क्या कि नए लोगों को एंट्री होगी? इसीलिए पॉलिटिक्स एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ वोटर हैं, आप पॉलिसी मेकर नहीं हो सकते हैं।
और ये जो पॉलिटिक्स का क्राइसिस है उसको हमको समझना पड़ेगा कि ये क्यों है। ये इसलिए है कि इस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर देने की एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और ये जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वोट करेंगे, हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की रैलियों में जाएंगे, हम पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं कर सकते हैं, हम नेताजी के लिए इनकलाब जिंदाबाद लगाएंगे लेकिन हम पार्लियामेंट में नहीं खड़ा हो सकते हैं। ये हमारे वक्त का पॉलिटिकल क्राइसिस है। सो आई टोल्ड यू कि यूथ होने का क्या मतलब है। यूथ होने का मतलब यह है कि आपको आपके आसपास में जो चीजें घट रही है उससे आपको फर्क पड़ना चाहिए, और जब आपको फर्क पड़ता है तो आपको अपने जैसे लोगों से बातचीत करना चाहिए। दैट इज द कम्युनिकेशन, द बेसिक पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। और दूसरा, जब हमारे जैसे लोग हमको मिलना शुरू हो जाएं तो हमको उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। एंड थर्ड थिंग कि जितने भी सो कॉल्ड कोट एंड कोट ट्रुथ हैं उस ट्रुथ को हमको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग। लर्निंग और अनलर्निंग का जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान, भारत सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में नहीं बसती है, त्रिवेंद्रम में भी है भारत, नॉर्थ ईस्ट में भी है भारत, कश्मीर में भी है भारत और कन्याकुमारी में भी है भारत। और इस डाइवर्सिटी को आज खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए यूथ को पॉलिटिक्स में इसलिए आना नहीं चाहिए कि उनका कैरियर बनेगा, इसलिए आना चाहिए कि पॉलिटिक्स में यदि वो वोट दे सकते हैं तो पॉलिटिक्स में वो सजेशन भी दे सकते हैं, और उनका सजेशन पॉलिटिक्स में सुना जाए, और जो इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में उनको पॉलिटिक्स में एंट्री दी जाए। इस तरीके का माहौल हमको पैदा करना पड़ेगा। और आज आपके हाथ में जो एक टूल है कम्युनिकेशन का, मोबाइल, उसमें आपको मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करते हुए, सही इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ते हुए, इस नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हुए, हिंदुस्तान के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हुए, और इस प्रोटेक्ट करने की जो लड़ाई है उसके चलते आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है, आपके ऊपर गोली भी चल सकती है, आपको मारा भी जा सकता है। लेकिन आप एक बात को सोचिएगा कि अगर भगत सिंह भी जब अपने कॉलेज में थे तो यही सोचते कि हम अंग्रेज के खिलाफ बोलेंगे तो हम जेल चले जाएंगे, हमको फांसी हो जाएगी, तो भगत सिंह रेवोल्यूशन के लिए नहीं आए होते। और हम तो आपसे रेवोल्यूशन का डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लेकर के अवेयर होने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए आप सब लोग इस स्टूडेंट पार्लियामेंट में शामिल हुए हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ऑर्गेनाइजर को शुक्रिया कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूं। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। आज़ादी स्लोगन बता देंगे लेकिन ये बता दीजिए, ठंडा मतलब क्या होता है? कोका कोला, यही है, यही मिस इन्फॉर्मेशन है। और ये मिस इन्फॉर्मेशन जो मार्केट का है वो आपके सोचने की डाइवर्सिटी को ख़त्म करता है। जो बाहर से आए हैं, त्रिवेंद्रम जाइएगा और वहाँ रेडी पटरी की दुकान पे पूछिएगा कि आपके यहाँ ठंडा मतलब क्या होता है, तो आपको यहाँ का कोई लोकल पेय पदार्थ पिलाएंगे, आपको पीने की चीज़ देंगे। हिंदुस्तान में आज की मार्केट इस देश की डाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहा है, और डाइवर्सिटी को ख़त्म करने का आलम यह है कि जो पॉलिटिकल नारा आज़ादी के दौरान लगाया गया था, जिसका एक सिग्निफिकेंस था, उस नारे को जब दोबारा हिंदुस्तान में लगाया गया तो उन नारों को एंटी नेशनल कहा गया। और मज़ेदार बात यह है कि जब ये नारा पॉपुलर हो गया तो कांग्रेस भी आज़ादी का नारा लगा रही है, बीजेपी भी नारा का आज़ादी का नारा लगा रही है, yatra.com भी आज़ादी का नारा लगा रही है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, अभी एयरटेल ने कहा है कि 350 में लीजिए एक साल की आज़ादी। अब आपको तय करना है कि आपको कौन सी आज़ादी चाहिए। मैं समझता हूं कि आज़ाद देश में जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स से हमको आज़ादी चाहिए, देश से नहीं, देश में आज़ादी चाहिए। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए?
तो हमारे साथ आप भी नारा लगाइएगा, अरे हम क्या चाहते हैं, है हक हमारी है जान से प्यारी है प्यारी प्यारी तो गरीबी से और भुखमारी से सामंतवाद से तो मनुवाद से तो पूंजीवाद से हम लड़के लेंगे जो तुम ना दोगे है हक हमारी है हक तुम्हारी सब मिलकर बोलो तो जोर से बोलो तो प्यार से बोलो तो धीरे से बोलो हौले से बोलो हम लड़के लेंगे आजाद देश में अश्फाक वाली आजाद वाली तो भगत सिंह की अंबेडकर वाली तो बिरसा वाली।